स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज है भाई लोग 20th दिसंबर और जितने भी हमारे एनडीए एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। आप सबको पता चल गया होगा अब तक कि यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एनडीए 1/2024 के लिए नोटिफिकेशन आज रिलीज कर दिया है। और अगर नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है इसका मतलब यह है कि आप आज से अपने आने वाले एग्जाम एनडीए 1/2024 के लिए फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म्स को फिल करने की जो आखिरी डेट रहेगी वो रहेगी भाई लोग 9th of January 2024। तो एनडीए एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अब अगले 1, 2, 3, 4 दिनों में आप अपने एनडीए 1/2024 के फॉर्म को फिल करना शुरू करें। और इस वीडियो में मैं भवानी सिंह द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी के यहां पर जीएस फैकल्टी के तौर पर आपकी हेल्प करने आया हूं कि कैसे आप अपना यूपीएससी एनडीए 1/2024 के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मेहनत बहुत ज्यादा की है इस एग्जाम के लिए और कर भी रहे होंगे, अभी थोड़ा टाइम है तो अच्छे से और रिवीजन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। पर फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपने कोई गलती कर दी तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट ये होगा कि आपका जो फॉर्म फिल करने का तरीका है वो आपके इस अटेम्प्ट को बर्बाद कर देगा। इसीलिए आप सीधे सीधे फॉर्म को पूरी होशियारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ फिल करेंगे और इसीलिए मैं आपके पास यहां पर हूं ताकि आप कोई गलती ना करें। तो अगर हम एनडीए 1/2024 के एग्जामिनेशन फॉर्म को यहां पर फिल करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए आपको करना क्या है। आप सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जो कि upsc.gov.in है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर इस तरह का जब एक पेज ओपन होगा तो यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करके एक ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड एक तरफ लिखा रहेगा और एक तरफ लिखा रहेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। देखिए भाई लोग, जो भी एनडीए के ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एनडीए का एग्जाम पहले भी दिया है तो वो तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना पहले ही करवा चुके होंगे और ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे। पर जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहली बार करवाना है, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, इसी बार वो एलिजिबल हुए हैं एनडीए का एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, उनके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लोग फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, पहली बार एनडीए का एग्जाम देंगे, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर और अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहां पर कंडक्ट करेंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करोगे भाई लोग, तो आप लोगों के सामने कुछ डिटेल्स भरने के लिए एक फॉर्म आएगा और वहां पर वो जो डिटेल्स होंगी उसमें आपको अपना नाम, अपना पूरा नाम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो वो ऑप्शन है आपके पास, आपका मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, बोर्ड एग्जामिनेशन का रोल नंबर, और उसके बाद आपको बोला जाएगा ये सारी पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद कि भैया वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी तभी जनरेट होगी जब आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट करोगे। तो आप अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट करें जो आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि आगे भी आप अपनी प्रोफाइल को तभी ओपन कर पाएंगे जब वो पासवर्ड आपके पास होगा। तो पासवर्ड सेट करने के बाद जब आप अपना सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो
आपको लॉगिन पर जाना है, क्योंकि अब आपकी वन जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी है वो क्रिएट हो चुकी होगी, तो आपको लॉगिन करना है और फिर आपके पास इस तरह का एक पेज आएगा जिसमें आपके सामने ऑप्शंस होंगे कि या तो आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करें, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, या फिर जो ओटीआर आईडी जस्ट आपने प्राप्त की है ओटीआर वाला फॉर्म फिल करने के बाद वो ओटीआर आईडी के थ्रू रजिस्टर करें। तो तीनों ऑप्शंस हैं, ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और ओटीआर आईडी से। कैसे भी आप यूपीएससी की इस वेबसाइट में आगे लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तो अपनी ईमेल आईडी यहां पर डालेंगे और ईमेल आईडी पर आप जब यहां पर गेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहां पे आप फिल करेंगे। उसके बाद ये एक कैप्चा है, ये जो इमेज है इसको यहां पर फिल करोगे, चाहे कैप्चा कहें या वेरिफिकेशन कोड कहें, यहां पर फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। इस तरह से आप यूपीएससी की वेबसाइट में फर्दर लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का पेज जहां पर जिस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर लिखा होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 1 2024, और सामने जब आप देखेंगे तो यहां पर होगा पार्ट वन रजिस्ट्रेशन और यहां पर पार्ट टू रजिस्ट्रेशन। जब आप पार्ट वन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा जो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें ऑलरेडी कुछ पर्सनल डिटेल्स फेच कर ली जाएंगी ऑटोमेटिकली वहां से, जहां पर आपने ओटीआर भरते वक्त, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरते वक्त वो डिटेल्स डाली थी। तो ऑटोमेटिकली आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम और जेंडर वगैरह, जो भी पर्सनल डिटेल्स जो आपने वहां फिल की है वो ऑटोमेटिकली यहां फेच हो जाएंगी और आपके पास फिर इस पेज पर होगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स को भरने का ऑप्शन। आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को भरेंगे, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो आप अभी फिलहाल 12th अपियरिंग है या 12th अपियर ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि आपने 12वीं क्लास को पास कर लिया है या अभी भी आप 12वीं क्लास में होते हुए एग्जाम दे रहे हैं। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपकी एड्रेस डिटेल्स, आप एड्रेस डिटेल्स को बहुत संभाल के यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, उनको आप अच्छे से फिल करेंगे, क्योंकि यही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आपसे यूपीएससी फर्दर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें फिल कर लेंगे तो आप यहां कंटिन्यू का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा जहां पर आपसे आपकी फोटो आइडेंटिटी कार्ड, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो पैन कार्ड है, चाहे वोटर आईडी कार्ड है, जो भी आपको यूज करना है वो आप यहां पर उसकी डिटेल्स फिल करोगे और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया एनडीए के थ्रू जो डिफेंस फोर्सेस आप ज्वाइन करना चाहते हो उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, आपको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवल अकेडमी में जाना है, वो प्रेफरेंसेस आपको सेट करनी होंगी। तो जो भी प्रेफरेंस आप सेट करोगे यहां पर उसी हिसाब से आपको आगे जाके एग्जाम क्लियर करने पर सर्विस अलॉट होगी। तो आप अगर जीरो मार्क करते हैं कहीं पर तो मतलब ये समझ लीजिए कि आप कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं किसी डिफेंस सर्विस को अपनी, और अगर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप 1 2 3 4 जैसे भी आपका प्रेफरेंस का सीक्वेंस रहेगा वैसे आप यहां पे दे सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भैया क्या आप सैनिक या मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अगर हाँ है तो यस, ना है तो नो। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप बेटे हो किसी जेसीओ, एनसीओ या अदर रैंक के ऑफिसर्स की, या फिर आपने सैनिक या किसी मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की है, अगेन तो यहां पर यस या नो आपको यहां पर ऑप्ट करना होगा और उसके बाद आपको आई अग्री करके आगे बढ़ जाना है। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने एक पेज निकल के आएगा जिसमें आपने अब तक जो डिटेल्स भरी हैं उनके बेसिस पर एक पूरा का पूरा एक पेज सामने दिखेगा जिसमें वो डिटेल्स हैं। ये आपके पास वो मौका होगा जब आप अपनी डिटेल्स अगर कहीं कोई गलत कर दी है तो आप उसे
करेक्ट कर सकते हो। करेक्ट करने का ये आखिरी मौका होगा आपके पास, तो एक बार अच्छे से इस पेज की डिटेल्स को पढ़ें और देख लें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और अगर गड़बड़ है तो आपके पास सुधार का या अपडेट का ऑप्शन होगा नीचे की तरफ, आप वहां पर जाएं और वापस से अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लें। और जब आपको लगे कि भैया मैंने सारी इंफॉर्मेशन ठीक भरी है, तो आप आगे आई अग्री करके बढ़ जाएं आगे, और उसके बाद यू विल गेट दी रजिस्ट्रेशन आईडी, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी और आपका जो पार्ट वन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसका आप कोई प्रिंट आउट भी निकालवा सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसको संभाल के रख सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप में। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया पेमेंट करनी है एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो पेमेंट करने का जो आपके पास ऑप्शन होगा, चाहे आप कैश के थ्रू करें, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, डेबिट कार्ड के थ्रू करें या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू करें, और आज के टाइम में डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो आप ऑब्वियस ही बात है जो आपके लिए इजी रहेगा आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट करें या डेबिट कार्ड से करें, जैसे भी पेमेंट करना चाहे पेमेंट करके आप आगे बढ़ जाएं, और उसके बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि भाई आपने सक्सेसफुली पेमेंट कर दी है, और उसी मोबाइल पे आएगा जो आपका रजिस्टर्ड है, जो आपने यहां पर दिया है। और उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भैया एक तो आप फोटो अपलोड कर दो अपना, जो रिसेंट फोटोग्राफ हो आपका पासपोर्ट साइज, और दूसरा आपका सिग्नेचर, आपका साइन। पर फोटो और सिग्नेचर दोनों ही जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, अगर कोई दूसरा फॉर्मेट होगा तो शायद वो अपलोड ही ना हो, और आपसे बार बार पूछा जाएगा कि भैया जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करो, अदरवाइज ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। फोटो साइज शुड नॉट बी मोर देन 300 KB और शुड नॉट बी लेस देन 20 KB, यानी बेसिकली इस प्रपोर्शन के बीच में आपको फोटो का साइज रखना है और जो नीचे वाला प्रपोर्शन है यहां पर सिग्नेचर का साइज रखना है, और उसके बाद आप अपलोड करेंगे, और उसके बाद आप जब ये अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई आप अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड भी अपलोड करेंगे, और ये जो होगा ये पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा, फोटो और साइन जेपीजी के फॉर्मेट में, और जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होगी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अगर बन गया है तो, या पैन कार्ड, वो आप यहां पर अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद अपलोड इमेज करके आप आगे बढ़ जाएं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अगले पेज पर आपको इस तरह से अपलोड हुई चीजें मिलेंगी, मतलब यहां पर आपका फोटो भी दिखने लगेगा, यहां पे आपका सिग्नेचर भी और आपकी आईडी भी यहां पर अपलोड हो चुकी होगी। अगर किसी भी जगह पर फॉर्मेट में दिक्कत होगी तो वो रेड कलर से सिंबलाइज कर देंगे कि भाई इस वाले ऑप्शन में, चाहे वो फोटो हो या साइन हो या फोटो वाली जो आपकी आईडी प्रूफ है उसमें कोई दिक्कत होगी, तो वहां पे सिंबलाइज कर देंगे कि भाई यहां पे दिक्कत है, आप इसको सही से फिर से अपलोड करो। और उसके बाद जब ये अपलोड हो जाएगा, आप आई अग्री करके, ये डिक्लेरेशन पढ़ के आई अग्री करके आगे बढ़ जाएं, और इस तरह से आपका जो प्रोसेस है एनडीए 1/2024 का फॉर्म फिलिंग का, ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा यूपीएससी की वेबसाइट पर, और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और फॉर सेफर साइड आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लें। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आप अपने एनडीए 1/2024 के फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। इन केस कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको आती है, कोई चीज आपको ना समझ में आई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि फॉर्म को अच्छे से फिल करना, बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ फिल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलती की तो आपका ये वाला अटेम्प्ट एनडीए 1/2024 का वेस्ट हो सकता है भाई लोग, तो बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान में रख के आप फॉर्म को फिल करें, और जहां भी हमें ऐसा लगेगा कि आपको गाइड करने की जरूरत है, हम हमारी दूसरी वीडियोस में भी आपकी हेल्प करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो आप सभी को, सारे एनडीए एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट, अच्छे से फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी, अब क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है तो और जबरदस्त तरीके से शुरू कर दें, एंड आई होप आप सभी का एग्जाम क्लियर हो और आप
अपने फर्दर स्टेप एसएसबी के लिए कहीं से भी गाइडेंस लें, चाहे हमसे गाइडेंस लें, वो आपके लिए एक पत्थर का मील साबित हो और आप अपने अल्टीमेट गोल को, डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के गोल को अचीव कर सके। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आप पूरी कोशिश करें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि फॉर्म सही से फिल किया जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।